जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। और जैसा कि जानते हैं कि लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवाल पूछता हूँ। अगर आप उनके जवाब देंगे तभी आप वीडियो समझ जाएंगे, अगर आप जवाब नहीं भी देंगे तभी आप मेरा लेक्चर और यह आज का टॉपिक समझ जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में लोगों से किस तरह से मिलते हैं, आप अपने वालिद साहब से किस तरह मिलते हैं, अपने टीचर से किस तरह मिलते हैं, किसी अफसर से किस तरह मिलते हैं, बेगर से, अमीर से, गरीब से, फ़कीर से, लोगों से आप किस तरह से मिलते हैं, ये आपका सोशल इंटरेक्शन होता है। और इस इंटरेक्शन से आप क्या लर्न वगैरह करते हैं, ये भी उसी सोशल इंटरेक्शन का एक हिस्सा है। मेरा एक बच्चा है आज़ान, वो किस तरह से अपनी मदर से इंटरेक्ट करता है, उसकी मदर अपने इस बेटे से कैसे इंटरेक्ट करती है, तो ये सारा कुछ सोशल इंटरेक्शन में आता है। सोशल इंटरेक्शन की डेफिनेशन लगता है, सोशल इंटरेक्शन इज़ द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। देखें, सोसाइटी जहाँ पे हम लोग रहते हैं, आप में वगैरह सब, यहाँ पे जैसे लाइब्रेरी, घर वगैरह, ये जहाँ पर भी आप माशरा रहता है तो ये आपकी सोसाइटी हो। जहाँ पर भी आप रहते हैं आप इंटरेक्ट करते हैं। आप क्या इंटरेक्ट नहीं करते, अपनी माँ से पानी, खाना पीना, ये सारा कुछ आप अपनी मदर से मांगते हैं, तो ये आपने एक सोशल इंटरेक्शन वगैरह की। आप जब आप ये देख लें अपने मदर वगैरह, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, तो उनसे डे टू डे इंटरेक्ट करते रहते हैं। एक अगर रेडी वाला है, फ्रूट वाला है, चाट वाला है, कुछ भी है, तो वह इंटरेक्ट करता रहे। फॉर इंस्टेंस, इंटरेक्शन इज़ अ मेजर प्रोसेस फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ। जो इंटरेक्शन है वो एक मेजर प्रोसेस है जो कि सोशलाइजेशन के शुरू होता है, जब एक इंडिविजुअल बर्थ लेके डेथ तक, शुरू से लेके मर, इंसान की ज़िंदगी से लेके मरने तक ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस शुरू होता है, विच एग्जिस्ट इन एवरी कल्चर। और ये हर कल्चर में होता है, ये चाहे इंडियन हो, अमेरिकन हो, जापनीज़ हो, चाइनीज़ हो, हर कल्चर के अंदर बंदे जो इंटरेक्ट करते हैं वो लर्न करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सोशल इंटरेक्शन, अगर हम मैरल की बात करें, मैरल ने कहा है सोशल इंटरेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस तरह आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो मैरल ने कहा है कि सोशल इंटरेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कांटेक्ट वेयर द बिहेवियर मॉडिफाइज स्लाइटली। देखें, आप जैसे 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 मेरा बेटा आज़ान हमसे इंटरेक्ट करता है तो उसका बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएगा। तो सोशल इंटरेक्शन, जो मैरल ने कहा है कि सोशल इंटरेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर बिहेवियर मॉडिफाइज स्लाइटली, तो इसके अंदर आपका जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता है। डॉसन एंड गेटी, डॉसन और गेटी ने सोशल इंटरेक्शन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय मैन इंटर पेनिट्रेट द माइंड ऑफ ईच अदर। डॉसन एंड गेटी ने कहा सोशल इंटरेक्शन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय मैन इंटर पेनिट्रेट द माइंड ऑफ ईच अदर। आप सोशल इंटरेक्शन करते हो तो आप एक दूसरे के माइंड में पेनिट्रेट हो जाते हो, तो ये सोशल इंटरेक्शन है। फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन, अगर जो हम बात करें सोशल स्ट्रक्चर के, कौन से फॉर्म है बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, एक एक इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल हैं और मैं, हमारे बीच में एक इंटरेक्शन हो रही है बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। अगर माजरत, अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मेरे ग्रुप है, तो ये इंडिविजुअल और ग्रुप है, ग्रुप एंड ग्रुप। अगर मैं अपनी उसी क्लास में ग्रुप डिस्कशन करा रहा हूँ, एक तरफ बॉय, दूसरे तरफ दूसरे गर्ल्स, और ये ग्रुप टू ग्रुप। बिटवीन इंडिविजुअल और कल्चर, जैसे एक इंडिविजुअल है उसका चाइनीज़, जैपनीज़ जिस कल्चर से वो इंटरेक्ट करेगा, तो ये भी है बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, जैसे डॉक्टर टू पेशेंट या कस्टमर टू शॉपकीपर। सो सिचुएशन ऑफ सोशल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि हम कहाँ पर है। बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप, जैसे ये एक इंडिविजुअल गा रहा है और ऑडियंस उसका ग्रुप है। पर्सन टू ग्रुप टीचर वाला, जैसे बिटवीन ग्रुप टू ग्रुप, जैसे ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टू ग्रुप आर्मी के हिसाब से। इंडिविजुअल कल्चर, जैसे आप नॉर्म्स, कस्टम, वैल्यूज़, उनसे आप कन्फ्रंट करते रहते हो। विद इन टाइप्स फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सोशल प्रोसेस अपोजिट। देखें, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, अगर जो हम बात करें सोशल इंटरेक्शन या सोशल प्रोसेस के बारे में, अपोजिशन, जब जब सोशल इंटरेक्शन होती है तो उसके अपोजिशन भी होती है और कोऑपरेशन भी होगा। अगर अपोजिशन होगी तो उसमें कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट होगा। जैसे क्लास में ग्रुप होते हैं, हर कोई चाहता है कि उसकी फर्स्ट पोजीशन जाए, तो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, कंपटीशन भी होगा। अगर कोऑपरेशन होगा तो उसे अकोमोडेट भी करेंगे, एसिमिलेशन भी होगी और कल्ट्रेशन भी। जैसे एसिमिलेट होना, जैसे आप अगर किसी कल्चर में जा रहे हैं और आप उसी कल्चर के ट्रेड्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक एसिमिलेशन हो रही है, क्योंकि आपने अपने आप को उस कल्चर में एसिमिलेट कर दिया।
अगर हम बात करें अकल्चुरेशन तो ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है। अपोजिशन, दिस इज द डिसएसोसिएट फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन। इट इंक्लूड्स कॉम्पिटिशन और कंफ्लिक्ट। अपोजिशन के अंदर कॉम्पिटिशन और कन्फ्लिक्ट का अपोजिशन और डिसएसोसिएशन। इट इज इन एवरी इंस्टीट्यूशन देयर इज कॉम्पिटिशन। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर इंस्टीट्यूशन में कॉम्पिटिशन होता है। कॉम्पिटिशन में भी कॉल्ड इज अ स्ट्रगल बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। और कॉम्पिटिशन जो होता है उसमें स्ट्रगल होता है। क्लास में अगर दो लड़के कॉम्पिटिशन चाहते हैं, अगर आप एग्जाम की तैयारी है तो उसके अंदर कॉम्पिटिशन है, उसमें हर कोई स्ट्राइव करता है। फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन पर्सनल एंड इम्पर्सनल कॉम्पिटिशन, फॉर्मल एंड फॉर्मल कॉम्पिटिशन, एंड इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन। पर्सनल और इम्पर्सनल कॉम्पिटिशन है, आप देख लीजिएगा पीपल पर्सनल इम्पर्सनल, ठीक है ना। ये डिफरेंट जो फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन है, आप बस इतना याद कर लें कि जो हम बात करें ना कि जिसमें सोशल इंटरेक्शन, जिसमें हम डे टू डे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने बात की सोशल इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है ना।